अस्सलाम वालेकुम। आज किराड़पुरी की दरगाह हज़रत इस्माइल कादरी रहमतुल्लाह अलैह साहब का उर्स था। उस मौके पर हमारे जिंसी पुलिस के पीआई रेगे साहब को हमने बुलाए थे। उनके हाथ से यहाँ पे एक चादर चढ़ाई गई और उसके साथ ही हमारे मौलाना हफीज़ साहब थे, हमारे कादर हाई साहब थे, हमारे चचा हैं महल्ले के ज़िम्मेदार। मैं किराड़पुरी के आवाम से साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पीआई साहब का, कि उन्होंने हमारे एक बोलने पे आए और यहाँ पे विजिट करे और दरगाह के ऊपर हार और फूल का चादर का ये एक ऐसा मौका है किराड़पुरी के अंदर कि हर साल कई सालों से होते आ रहा, पर हमने उसका सर्जा प्रचार ये इसलिए नहीं क्योंकि महल्ले का था, पुराना इसका था, इसके लिए नहीं, पर हमारे को एकता किराड़पुरी में हिंदू मुस्लिम एकता, सब हम सब साथ में भाई भाई बोल के यहाँ रहते और हमेशा आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे, ये हम उम्मीद है। आज इस्माइल कादरी दरगाह का जो उरूस है, उरूस के बारे में हमें जो दावत दी है, दावत देने वाले स्टेज पे सभी मंच पे जो खड़े हैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी भाई, मैं 17 तारीख को जिंसी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ और चार्ज लिया हूँ, अभी नया हूँ, मुझे पूरी अभी तक तो मालूमात अपने मोहल्ले की और एरिया की हुई नहीं है, धीरे धीरे पूरी मालूमात हो जाएगी। और जो राम मंदिर का मसला हुआ था उसके वजह से किराड़पुरा फेमस होने वाला है। हम बाहर थे, मैं नांदगांव में था, वहाँ तक ये किराड़पुरे का नाम पूरे महाराष्ट्र में चलेगा। मुझे ये कहना है कि सब धर्म समभाव, मराठी में बोलते अपन सब भाई भाई है, और झगड़े दंगल फसाद से आदमी की उन्नति नहीं होएगी, होती भी नहीं है, होएगी भी नहीं है। अपन मध्यम वर्गीय मीडियम क्लास वाले लोग हैं, जहाँ अपन काम करेंगे तो खाएंगे, अगर अपन झगड़े करते रहेंगे तो बहुत से लोग हैं कि जहाँ उनको खाना तक नहीं मिलेगा। तो मुझे सब भाइयों को ये कहना है कि कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये झगड़े होने की जगह है, झगड़ा होना है, बड़ा हो सकता है, तो मुझे कांटेक्ट करो। ये मैं अभी फर्स्ट टाइम दो बातें कर रहा हूँ, जहाँ की नसीब मेरा अच्छा है कि ये कादरी बाबा के दरगाह में चादर, इस्माइल दरगाह के दरगाह में जो चादर चढ़ाई है, मैं हर साल मुसा कादरी 40 गांव वो दरगाह को भी रहा है, वहाँ वो पुलिस स्टेशन को रहा हूँ। नांदगांव में मस्तानिया माँ की दरगाह, वहाँ भी हर साल हमने ये कार्यक्रम किए हैं। मैं पुलिस स्टेशन को, हमारे पुलिस स्टेशन के तरफ से हर साल वहाँ कार्यक्रम संदल का कार्यक्रम होता है। अभी ये नसीब पहली बार यहाँ आया और ये जो आपने बुलाया तो मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरी शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो मैं जब तक हूँ अमन और शांति रहेगी, और वैसी शांति और अमन बिगाड़ने का कोई आपको लगता है कि ऐसे कोई आदमी है तो हमारे से कॉन्टैक्ट में रहो, कॉन्टैक्ट करो कि भाई अपन साहब के पास कैसा जाना, कैसा बताना, ये सब छोड़ दो, बिंदास आके हमारे पास, मुझे डायरेक्ट भी मिले तो भी चलेगा कि साहब ये ऐसा ऐसा लड़का है, भले कौन सा भी समाज हो, कि जो अमन और शांति बिगाड़ देगा तो ऐसे आदमी अपने पास चलेंगे नहीं। उनसे कानून में जो नियम से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मुझे इतना ही कहना है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो सामने का पीरियड थोड़ा सा ख़राब रहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ठीक है उनका वो काम करेंगे, अपना अपन काम करो, जानबूझ के कोई लफड़ा और झगड़ा मत करो, और अपने एरिया की शांति मत बिगाड़ो, क्योंकि अपना नाम पहले ही थोड़ा सा दंगल की वजह से ख़राब हुआ है, और आगे चल के ख़राब मत करो, उसको सुधारने का
सभी भाईचारों ने अगर प्रयत्न किया तो बिल्कुल जो अपना खिरारपुरे का पहले से जैसा नाम अच्छा था वैसे ही नाम अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपको क्या मदद लगती है, पॉलिटिशियन तरफ से हम पूरी मदद देने के लिए तैयार है। इतना बोल के मेरे दो शब्द समाप्त। सवाल के हमारे पास वीएम केंद्र साहब, पीआई साहब जो मेरे साथ जवाहरनगर पे है, उनका एक इतिहास रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पीआई को इतना बड़ा प्यार, इतना विश्वास मिला है। यहाँ के लोग चाहते थे साहब आप जाओ मत, लेकिन कहते ना कि कुछ नियम भी होते हैं। मेरा सवाल ये, थोड़ा आप पर्सनल से बात कर सकते हैं, यहाँ के एक मालूम कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा संभाला था, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, आप उसे जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ के लोग चाहते हैं जो भी पीआई आए वो हमारे स्वरूप में वीएम केंद्र साहब आए। क्या आप चाहेंगे कि सर कुछ आश्वासन के आप फिक्र मत करो कि मैं अपने आप एक वीएम केंद्र हूँ, आप फिक्र ना करें। आप जो बताए केंद्र साहब, मेरे पास कांस्टेबल रहे, मेरा चेला है, मैं उसी का गुरु, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, इतना ही बोल सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किराड़पुरे में जाली की दरगाह जो बहुत ही मशहूर है, हज़रत इस्माइल शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह का आज संदल और उसे शरीफ हुआ। इस मौके पर हमारे जो है इलाके के जिंसी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने जो है यहाँ पर दरगाह में चादर और गुल वगैरह पेश किए। यह औलिया अल्लाह का जो मकाम व मरतबा है ये पिछले कई सदियों से जारी और सारी है। हम सारे हिंदुस्तान में देखते हैं कि कई बड़े बड़े औलिया अल्लाह जो है यहाँ पर आराम फरमा है और औलिया अल्लाह का बारगाह या ऐसी बारगाह है जहाँ पर हमें गंगा जमनी तहजीब जो है देखने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जहाँ कहीं भी औलिया किराम आराम फरमा है, हमारे मुस्लिम भाई भी हिंदू भाई भी जो है वहाँ पर आते हैं और फ्यूज़ बरकत हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आज जो है हमारे महल किराड़पुरा में जो है उर्स शरीफ हुआ, हर साल होता है लेकिन इस साल जो है हमने हमारे इसहाक हाजी साहब ने जो है यहाँ पर पीआई साहब को मदू किया ताकि जो है इसको इस बात का पता चले, इस बात का जो है लोगों को अंदाज़ा हो कि किराड़पुर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इलाका है जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब जो है आज भी मौजूद है और इंशाल्लाह हमेशा ये कायम रहेगी क्योंकि यहाँ पर हर कोई आता है बग़ैर मज़हब व मिल्लत के। जो है सुबह में हम देखते हैं फजर की नमाज़ के बाद अक्सर यहाँ पर जो है गैर मुस्लिम आते हैं और जो है फ्यूज़ व बरकत हासिल करते रहते हैं। तो ये औलिया अल्लाह का मकाम है, औलिया अल्लाह का जो है दर है जहाँ पर हर कोई जो है फ्यूज़ व बरकत हासिल करता रहता है। मैं जो है हमारे महल्ले की तरफ से पीआई साहब का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी जो है आप इसी तरह हमारे लिए वक्त मुहैया करते रहेंगे। जज़ा क्योंकि आप मौलाना साहब इमाम साहब हैं और आप जो इमाम साहब होता है अपने समाज का उसकी एक बड़ी अहमियत होती है, उसके संदेश के लोग सुनते हैं समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि हालिया पिछले साल हुआ था राम मंदिर के पास जो झगड़ा फिसाद हुआ था उसी यहाँ की छवि ख़राब हुई है, जबकि ये तारीख हकीकत सच्चाई है कि राम मंदिर का जब कार्यक्रम होता है तो ये हमारे भाई साहब जो शरबत पेश करते हैं, गुलाब के फूल पेश करते हैं, तो तमाम हमारे हिंदू भाई गलत फहमी फैली हुई है। एक मुबारक मौके पर आपको संदेश देना चाहते हैं ताकि हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़ सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पिछले कई सालों से, अब बचपन हमारा जो है इसी महल्ले में गुजरा है, हम देखते हैं कि जब भी राम मंदिर के पास जब रामनवमी का मौका आता है तो हमारे जो महल्ले के जो बरगजीदा जो है बुज़ुर्ग शख्सियतें हैं और जो सरकर्दा शख्सियतें हैं उसमें जैसा यहाँ के महल्ले के हमारे ज़िम्मेदार है हाजी इसहाक साहब और दीगर ज़िम्मेदार हैं, तो वहाँ पर वो रामनवमी के मौके पर जो है सारे शहर से हिंदू भाई हमारे वहाँ पर आते हैं तो उनके इस्तकबाल में खड़े रहते हैं, उनके लिए शरबतों का अहतमाम करते हैं। तो ये जो इलाके के ताल्लुक से जो गलत फहमी और गलत बातें जो है की गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे रामनवमी के मौके पर तो आपको पता चलेगा कि राम मंदिर के पास से कैसे भाईचारगी का और गंगा जमनी तहजीब का जो है वहाँ से एक मैसेज आपको मिलेगा। और यहाँ पर हमारे महल्ले में बहुत सारे जो है गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं तो वो हमें देख रहे हैं और वो किस तरह से यहाँ पर रह रही है और किस तरह से उनके जो है हमारे मुस्लिमों से कैसे ताल्लुकात हैं वो भी जो है इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे महल्ले में जो है गंगा जमनी तहजीब आज भी मौजूद है और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे ता क़यामत जो है ये गंगा जमनी तहजीब को हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह से आपने देखा कि किराड़पुरे के अंदर दरगाह शरीफ के अंदर हमारे पीआई साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर एक कार्यक्रम लेने का मकसद था। हमारे जो समाज सेवक हाजी इसहाक साहब, इन्होंने कहा था साहब आप हमेशा लेते, आज खास बात क्या है, इन्होंने कहा था किराड़पुरे में जो दंगल हुआ था, झगड़ा हुआ था जिसको लेके एक हमारे वार्ड की एक छवि ख़राब हुई है,
यहाँ के लोग जब बाहर काम को जा रहे हैं तो लोगों को अलग निगाह से देख रहे हैं कि लगड़ ये लोग गुंडे हैं, ऐसे है वैसे, तो एक संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर वार्ड के अंदर हमारे कई दलित भाई, मराठा भाई आते हैं, दर्शन को आते हैं, और करीब में राम मंदिर है और सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ की परंपरा है, अगर ये चैनल अगर पूरे देश में देखा जा रहा है, मैं तमाम हमारे हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि देखिए एक अयोध्या में राम मंदिर है और एक राम मंदिर यहाँ पर है। यहाँ के तमाम यहाँ के हमारे मुसलमान भाई जब रामनवमी का दिन आता है, शरबत पेश करते हैं, गुलाब पेश करते हैं, उनका इस्तकबाल कर सत्कार करते हैं, यही सोचते करते हैं कि गंगा जमुना तहजीब है, हमारा एकता का केंद्र है। ये खास करके ये संदेश देना था ताकि आज वक्त हालात नाजुक चल रहे हैं, कुछ ताकतें हिंदू मुसलमान तोड़ने का काम कर रही हैं, और एक कुछ सामाजिक नेता होते हैं और एक पुलिस प्रशासन होता है जो हालात को लेकर चलता है, संभालने की कोशिश करता है। यही संदेश निकल के जा रहा है। मैंने बातों बातों में एक बार यहाँ भी कहा हूँ साहब से कि साहब वीएम केंद्र साहब बड़े अच्छे अधिकारी हैं। साहब ने कहा कि वो हमारे लिए फख्र होता है साहब, गर्व होता है कि आपके ट्रेनिंग में जब इतना एक अधिकारी इतना बड़ा बनता है और आप स्वयं यहाँ पर आते हैं तो हमारे डबल गर्व की बात है। और हमें विश्वास हो गया है कि आज हमारे पास में वीएम केंद्र साहब जैसे उनके जैसा साहब ने बताया कुछ नहीं होगा, जैसा भी आप केंद्र साहब लेके चलते थे साहब भी लेके चलेंगे। और तमाम लोगों से गुजारिश है, आने वाले समय में साहब ने कहा इलेक्शन आने वाले, तमाम लोग अफवाह पे ध्यान ना दें, कुछ हालात बिगड़ते हैं, कुछ अफवाह वादाग्रह होता है, साहब से संपर्क करें और ये बता दें कि औरंगाबाद शहर और खासकर किराड़पुरा ये जो हो गया हो गया, लेकिन अब यहाँ कभी एक चूटी भी नहीं मारी जाएगी, कुछ घटना नहीं घटेंगी, ये हमें सिद्ध करना है और बता देना है कि हम अमन की शांति और अमन पसंद लोग हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين ولا حسد جناحك معاف فرما. مولا اس مبارک موقع پر ہم سب یہاں پر حضرت اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا ان حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرما. مولا حضرت کا فیضان ہمارے محلے پر جاری و ساری فرما. مولا حضرت کے تو فیل ہمارے شہر میں مولا امن و امان عطا فرما, ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. مولا جو کوئی بھی ہمارے امن کو بگاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں مولا, ان کی جو ہے مولا ان کو راہ راست عطا فرما, ان کو ہدایت عطا فرما. مولا تمام دنیا بھر کے جو ہے لوگوں کی مولا حفاظت فرما, ہمارے ملک کی مولا حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. مولا ہمارے شہر میں مولا تمام بھائیوں کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق مولا ہم سب کے جائز مقصدوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق مولا دعا کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.